चेक पॉइंट जैसे एक एक करके क्लियर करते ग्रिप तो दोनों महीने देख, ये तो बिल्कुल फ्लैट है। हेलो, वी आर बिग फैन। कैसे भाई? ठीक। मनित को देखना, तारा हॉल की बस को सबसे पहले पहचान गए। तो रेट इनके सर चढ़ के बोलते हैं कुछ भी आपकी। एक बार ये आपने नाप लिया बस काटना शुरू है। आगे बस में बजा दिया, अभी इनके गस्से पड़ने वाले थे। वो आगे रहेगा। हाँ, पीछे आते रहे। तेरे को धक्का देगा ना, हम भी घुस जाएंगे। बिल्कुल लाइन में यार, मनी क्यों लाइन में जा रहे हैं? पापा मेरे लिए त्रिशूल और एक कलश लाए। पूरे अपने बिस्तर बुस्तरे बाहर निकाल के बढ़िया यार। ये ना कल रात से कर रहा है ये जान। उठते उठते थोड़ा लेट हो गया, 8 बजे उठा था पहले। उस टाइम दादी कुछ काम कर रहे थे, मैं सोचा करने देता हूँ उसके बाद उठूँगा, और बज गए 10। और अभी हमारे को काफ़ी जल्दी काम करने की, क्योंकि आज है बहुत सारे काम हमारे को निपटाने के लिए। तो अब ऐसा है कि बस चेक पॉइंट जैसे एक एक करके क्लियर करते जाएंगे करते जाएंगे। साथ हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज है लास्ट दिन, कल से होने वाला अपना ट्रिप शुरू। बस आज प्रिपरेशंस कर लेते सारी की सारी, क्योंकि कल के लिए अपने को कोई स्यापा नहीं चाहिए। अभी यार देखो, अब निकल रहे हम तो हम सोच रहे अपना ना एक टेंट वाला सामान सारा ना अभी गाड़ी में रख ले, क्योंकि कल सुबह के लिए हमारे को बिल्कुल भी सामान नहीं चाहिए। कल सुबह जितना जल्दी हम निकल सके यहाँ से और जितना लाइट निकल सके ना, उतना ज़्यादा बेटर है। दिखा यस, ग्रिप तो दोनों महीने देख, ये तो बिल्कुल फ्लैट है साइड वाला, ये तो रहने ही दे, इसमें थोड़ा ग्रिप तो है। चल तो यार, ये सारा अक्षय भाई का सामान, इसमें उनके सारे कपड़े, बाकी ये सारा टेंट वगैरह का सामान। तो भाई इससे पहले भी हमने शूट किया था, अभी तो शूट ही नहीं हो पाता, रिकॉर्ड का बटन दबा मुझसे। देखो सारा सामान हमने सेट कर लिया, सारा टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, छोटा मोटा सामान, और थोड़ा बहुत और होगा जो अपना सामान होगा वो कल लाएंगे जब निकलना होगा। टफ यार यहाँ से पोलन, क्या पोलन? हाँ आ गया ना, ऑटम आ रहा, तो पोलन आएगा। तो भाई चलते हैं, क्योंकि 12:30 तो ऑलरेडी हो गए, मुझे लग रहा है दिव्यम को लेने जाना पड़ेगा सबसे पहले। यार देखो आ जाना है हमने यार भंडारा खाने, और अभी रश कम भी था, मैं तो मंदी को हो रहा था अभी बैठ जाते छोड़ दिव्यम को गोली मार। बट ये यार अभी जस्ट ब्रेकफास्ट कर गया हूँ मैं जस्ट, ये भी मन्नी भी कुछ टाइम पहले ही कर गया है। ये गाड़ी उसमें सीट पसीना तो पड़ता है भाई, बट वही है ना, फिर हम शाम को निकलते तभी। अब जैसे ना वीकेंड आ गया ना, तो मुझे टूरिस्ट की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है यार अभी, मतलब लगातार 10 से 12 गाड़ियाँ गेट टूरिस्ट की। वापस शिमला टूरिस्ट आने लग गया है, रश फिर से बढ़ने वाला है, यही रहने वाला है ताकि हम। कैसे भाई, ठीक हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 9th में। दिव्यम को जानते हो? हाँ हाँ, मैं भी चुपाल सिंह। कहाँ से? बड़ाओग है। अरे तू तो अपना ही बंदा है यार, क्या नाम है? प्रत्युष। मिलियो प्रत्युष। हाँ हाँ। ठीक है, बात है भाई अपने को। हमारे को सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे हैं हमारे यार, और है भी चौपाल से, क्या बात है यार, अच्छा लगता है। दिव्यम का एक क्लास जूनियर है, और दिव्यम को भी जानते हैं चलो। बट अच्छा लगता है ऐसे जब मिलते हैं ना लोग। उस दिन मुझे याद है जब बस से चला रहे थे दिलीप के व्लॉग, दिलीप इतना अच्छा लग रहा था भाई मेरे को, मतलब अलग ही फील आ रहा था, क्या बताऊँ आपको, ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7th sky पे हूँ भाई उस टाइम, इतना अच्छा लगता है ना। और आज भी मिला तो भाई दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब मेरे को अपने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो भाई चलो गाइस चलते हैं, निकलते मन्नी, मन्नी को देखना, तारा हॉल की बस को सबसे पहले पहचान गए। मन्नी इसने बोला, मेरे को मैंने नहीं बोला। की फ्री दिव्यम अब है? हां जी, कोई चक्कर तो नहीं अब घर जाने का जल्दी? नो, क्योंकि आज टाइम लगेगा अपने को। लास्ट वन लिया इसी ओके है कोई जी हो गए। आप तो सबको जानते जी, हरीश जी हो गए हैं। पहले सामान तो क्लियर करना पड़ेगा। अबे हाँ यार, सामान बहुत है यार, सामान सामान होगा ना तो बार बार। हाँ वो ही है यार, यार। तो भैया टेप टूप से ना अच्छे से अगर हो सके। तो हमने लगाए थे यहाँ स्पीकर्स, तो इसकी जो तारे बार बार निकलती रहती है, जैसे हम सामान डालते हैं उस साइड से भी निकली हुई, इस साइड से भी। अब एक्सप्लोर रहे थे यहाँ अपने को चाहिए सिस्टम ठीक, क्योंकि कल लंबे ट्रिप पे जाना है, सिस्टम ठीक से चलेगा मज़ा तभी आएगा। नहीं, हमारे पास नहीं होगा, चलो कोई नहीं, ब्लूटूथ मिल जाएगा जब, ब्लूटूथ चार्जिंग पॉइंट। हाँ वही यार,
मुझे वो दिखाना भी है जिसमें एक में सी टाइप लगे, सी टाइप चाहिए मुझे। तो नहीं इसके लिए रेट इनके सर चढ़ के बोलते हैं, पूछ लिया करो, हमारे को बता रहे पूछ लिया करो भाई। बड़े घटिया, कई जगह बहुत घटिया लोग होते हैं, सच बताऊं। रेट इन्होंने क्या बोलते हैं, आसमान के रेट रखे इन्होंने। थोड़ी गाड़ी छू लो उसके इन्होंने रेट भी आए, इतने आसमान में रखे क्या ही बताए। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई कभी मत आओ इस दुकान में, बहुत बेकार दुकान है। हमने पहले इससे स्पीकर वगैरह सब लगाए, मुझे पता है पहले दिखाते थे, बट पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, छोड़ो। मेराज जैसे जैसे टाइम होता है आ गया है, स्थान आ गया जूते है। ओ चल रखने के लिए है, चलो अच्छी बात है, वरना जूते चोरी हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। वरना हम रखेंगे अपनी गाड़ी में, क्या है और क्या, सब जगह यहाँ जगह ही नहीं है यार गाड़ी खड़ाने को। हमने यहाँ ऊपर डायमंड जाना था, डायमंड में सामान लेना था थोड़ा बहुत। तो गाइस सामान हमने ले लिया है, थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो, अब बाकी गेंडा मल चलते हैं वहाँ जाके देखते हैं। तो मन्नी पुलिस में है, पुलिस बोल रहा हूँ चलान करो तू सीट बेल्ट आज तो मैंने अभी तो मैंने भी नहीं पहनी यार। तो मन्नी पुलिस वाले ना माफ कर देंगे मन्नी हमारे पुलिस वाले जानते हैं मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता हूँ। ओके शिष्टाचार वाला आदमी है भाई। तो मन्नी हमारे को बोला भाई बीसीएस में पला बड़ा, तुम कुछ भी पूछो ना, चलती भी अपनी, लोग सब जानते भी अपने को, देखते भी है। तो मन्नी के भरोसे ही अभी हमारे को बाकी का सामान रिमेनिंग। वो देख नई नई स्कॉर्पियो आ गई, देखा देखो पीछे, देखो पीछे देख, ये 10 रुपये वाला है ना, 10 रुपये पर स्क्वायर फुट है ना। तो भैया देखो मेरे को चाहिए 210x120 सेंटीमीटर में, 210x120 बट फिर उसको बीच से काटना है, तो दो ही नहीं है। अच्छा एक एक बंदे के नीचे से, क्योंकि एक पीस बड़ा लेके जाएगा ना तो गाड़ी में भी आना थोड़ा इसको मुश्किल हो जाएगा, लग जाएगी बट कोई नहीं, काट के रखो भैया ठीक रहता है। तो जी सामान तो हो गया अपना, तो हम ये के फोम का पीस ले जा रहे हैं क्योंकि ये हम टेंट के नीचे बिछाएंगे ताकि जैसे भी नमी होगी ज़मीन में तो सीधा हम अगर मैट्रेसेस डालेंगे तो उनका गीला होने का चांस है। तो अगर फोम होगी ना पहले तो फिर फोम सारा पानी सोख लेगी, हमारे को बैठने में भी दिक्कत आती है जब हम आग सेकने बैठते हैं, ऐसे भी नॉर्मली बैठते तो बैठने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं, तो हम फोम काम आएगा उसके लिए भी। हाँ जी क्या है, 8 वाली है, 10 वाली कौन सी है? एक्यूरेसी देख रहे हो भैया, अभी पूरी एक लाइन में काट दिया इन्होंने विदाउट नीचे नापे। 60 के 4 बनाने इसके पीस, एक्यूरेसी हर कुछ है भैया आपकी, एक बार ये आपने नाप लिया बस काटना शुरू है, पूरा वो होता है आपको कि कट जाएगा सीधा सीधी लाइन में है। क्या बात है, इतना तो मैं आपकी बात समझ गया बट लंबाई में थोड़ा होगा इतना है, कितना लंबाई देखना इसकी, लंबाई कितनी है? 185 थोड़ा छोटा रहेगा अंदर काट लो इसके वैसे सही बात बोली, वैसे भाई जी के भी आ जाएगा, क्यों क्या बोलते हैं दो ले यार टायर का पता लगे बट काम अपना सारा डन है। तो जी फोम का पीस हमने इतना बड़ा ले लिया है, ये चार बंदों के लिए पूरा पीस है, दो टेंट के लिए पूरा बिक जाएगा, थोड़ा एक साइज छोटा मिला हमें वो दिव्यम के काम आ जाएगा। आगे बस में बजा दिया, अभी इनके गस्से पड़ने वाले थे, इनको ना पुक रही है, पुक ज्यादा जल्दी होती है पकाने की, देखियो अब निकलेगी एकदम से, चला होगा स्पीड में, लगी नहीं होगी ब्रेक पे, चिपका गया पीछे कंडक्टर उतरा देने वाला था दो इसके चंडे। ये सारा सामान हमने ले लिया है भाई, अब कोई सामान नहीं लेना है, बस अब लेना है जो मेरा सामान आने वाला है चंडीगढ़ से वो कलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल हमने खाना है भंडारा। भंडारे के लिए पहले तो जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई गाड़ी लगाने के लिए फिर से अरे तू मुझे ये बताना इतना दूर खोल के पैदल थोड़ना जाएगा नंगे पांव। अब डीडी ने हमारे को एक आइडिया दिया कैसे, उसने देख तू आगे रहेगा तेरे को धक्का दे गए ना हम भी घुस जाएंगे पीछे से, ठीक है। रश देख रहे हो, रश कितना है, लाइन पीछे तक लगी है, बट मैंने सुना है इस बारी भंडारा ज़्यादा टेस्टी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पहला, कौशल बोल रहा था उसने भी खाया ना पिछले वाली तो खा आई है, रख ले मन्नी बोल रहा हूँ मन्नी को देखना, मैं तो दीदी आ डाल मन्नी ने देखना सबसे छुपा के, किसी ने बाइक निकालना अपना फिर स्कूटी तेरे जूते लेके ही जाएगा, वो रख ले सॉक्स कुछ नहीं होता, सॉक्स नहीं पहनेगा तो चुभेगा कुछ ना कुछ बच्चे ज़्यादा। तो यहाँ जूते रखने आए थे पहले, मगर यहाँ टोकन सिस्टम है, यहाँ टोकन था नहीं सबका फुल था, हमने सोचा कोई नहीं।
भगाओ तो भगाओ, शूज वालों को भगाओ, चल लाइन में जल्दी। इसको देख लो। अच्छा आगे से ये कंप्लीट हो गया शायद। इसको देख, इसको हाँ है जगह, बट लोग काफ़ी होने अंदर यार अभी। क्यों जैसी लाइन जल्दी ना देता है, पिछले साल में इस साल टाइम वेस्ट मेरा हुआ ही नहीं कभी भी। यहीं से अंदर तो हमारे को देख ले, इन लोगों ने गालियाँ दी था पड़ेगी। तो ये लोग जो खा के आ गए, ये लोग जो खाने जा रहे हैं, तो यहाँ से अंदर एंटर करो, खा पी के उस साइड से एग्जिट करो। मैं वो किया स्टील के प्लेट्स और पिछला तो डिस्पोजेबल धोने वाले हो गए ना इस बार ही लग रहा है। तो भाई रश बहुत है, देखो इतनी लंबी लाइन है, हम सब से आके खड़े हो गए, देखते हैं मौका मिलता है कि नहीं। तेरे को कैसा लगता है जब तेरे को कोई भैया बुलाता है? लगता है सभी भैया बोलते हैं, सभी बोलते हैं सब। मैंने तो देखा नहीं सबको। आपको भी स्कूल नहीं आना मेरे साथ अंदर, मैं अभी आने मेरी जगह पर बच्चे पहुँच चुके मेरे। ज़्यादा हमारी तरफ से भी कराइए, इसको परिक्रमा जी ज़्यादा लगी थी। मनीत को तो इसने बोला मैं कराता हूँ, तुम्हारी तरफ से मैं करा भाई, ठीक है जगह तो हम छोड़ेंगे क्योंकि अब नंबर इस बारी भी नहीं है तो रह जाएंगे। अंकल घूम रहे जो लाइन में रखने के लिए बोल रहे हैं सबको, तो डीडी बेचारा बाहर बाहर है। मैं देख टाइम लगेगा ना, अभी तो थालियाँ ही रखी है अभी रखी नहीं, चक्कर हो गया यार भाई साहब। अभी ये बैच अभी गया ना, अभी थालियाँ रखी, बाकी तो हो गया होगा पूरा। नहीं नहीं सर्विंग तो मुझे देख रहे हैं, देख लोग सर्व तो कर रहे हैं। अरे हो गया है, ये डरा रहे हैं हमें कि अभी तो थालियाँ ही लगेगी, अभी चक्कर हो गया। और क्या यार, कोई नहीं हो जाएगा, 10 मिनट और क्या। ये अंकल देख रहे हो सामने वाला, ये बच्चा मेरी तरह ही है, चंद्रमती दिखाया और कुछ है फिर से कुछ जाएगा कहीं ना कहीं, बट पूरी शिद्दत के साथ लगे अंकल यार, मानता हूँ। शाबाश भाई, कोई भी विदाउट लाइन नहीं भैया, बिल्कुल भी लाइन में नहीं, लाइन में यार मन्नी क्यों लाइन में जा रहा है, किसी ने भी तो लाइन में नहीं रहा, कट देना था भाई, चालू निकला है इसको पता लग गया था पहले। उठ गए भाई, खाली हो गया, उठ रहे लोग, बस अपनी बारी आने वाली है। आधा घंटा हो गया लगभग हम खड़े हुए, बट कोई नहीं, वेट करेंगे। तो क्या सोचो, दाढ़ी नहीं है, सबर का फल मीठा है। आराम से आराम से हमें कोई जल्दी नहीं, धक्का मुक्की ना करिए। एक बार हम एंटर हो गए फिर तो ठीक है, फिर आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बस जो तीन बैठ दो बस बढ़िया। यहाँ ना ये चुभता है बस इसी में। अरे कोई नहीं, चुभने दे, जगह तो मिली। अच्छा डबल डबल बैठते ऐसे, अपोजिट साइड वाले बैठ सके ना। डबल डबल रो में बैठते तभी 600 लोग आते होंगे, तभी समझ गया ना। और यहाँ इतनी स्पेस रखनी पड़ेगी ताकि दो थालियाँ और एक वॉकिंग के लिए जगह भी बच जाए। पीछे लो जी लो पा जी, कोई नहीं लो जी, हो जाओ भाई, हो जाओ साइड हो जाओ, चलो बस। Hats off to them. इतने लोगों को खाना देना रोज का रोज सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। Nice. दिव्यम की जानने वाले ही काफी हैं लोग। वो मीठी दाल लो, सबसे बढ़िया भाई, सबसे बढ़िया रहती है मीठी दालें, पर चावल इतनी देते अब बाकी वाले कुछ वो लगे चावल खत्म कर देना पूरे पूरे, फिर नेक्स्ट टाइम मिले ओके, वरना इकट्ठे तो जाएंगे लास्ट तक जाओ फिर भारी पड़ेगा। तो दिव्यम बोला सारे चावल एक बारी में खत्म कर लो ताकि फिर से अभी सर्व हो गए दूसरी दाल के साथ। नहीं दे रहा है जगह
पहला राउंड था मीठी दाल चावल, दूसरा राउंड था माश की दाल और चावल। मीठी दाल तो स्वाद थी, माश की दाल भी ठीक है। तीसरा पनीर का खा सकता है, पनीर छोले भी तो सब आए गए। फिर एंड में शायद हलवा पूरी। क्यों नहीं नहीं ब्रो, इतना कहाँ देंगे। नहीं कितना नहीं, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा था, बस लग गया अब दो ही दो चीज़ें मिल गई। कड़ी नेक्स्ट राउंड आया जी, कड़ी पनीर और छोले मिक्स। तो लास्ट राउंड चला जी पनीर और छोले मिक्स का, बहुत अच्छा राजमा। क्यों पनीर बैठे क्यों रहो, चल नकली लगती है सुनोगी। मेरा पाँव हो गया लेफ्ट वाला, बाकी तो ठीक है। लास्ट नहीं डालने जी। अच्छा जी, अच्छा लो जी। तो जी मजा आ गया खा के। अब देखो सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगेगा, साफ सफाई होगी, क्योंकि किसी के पाँव में ना चिपके यार ये, क्योंकि जो नए बैठने वाले आएंगे ताकि उनको तकलीफ ना हो। बट मज़ा आ गया खा के भाई, पता नहीं या तो काफ़ी टाइम बात करो इसलिए, या फिर इसलिए कि वेट ज़्यादा कर लिया था, बट मज़ा आ गया। खान पान पूरा बढ़िया। अच्छा धो के रखना है ग्लास। ओके ओके, यहाँ नलके लगाए ताकि सब मुँह हाथ धो के। बढ़िया आ गया मज़ा खा के, मेरे को भी आ गया मज़ा। या तो काफ़ी टाइम बाद खाया मैंने, या वेट ज़्यादा कर लिया हमने उसकी वजह से, बट सही में मज़ा आ गया खा के भाई। सबर का फल मीठा। हाँ वही, चार से पांच बारी मिला है, बट वो फुल पैक। तो चल कैसे रहा? वहाँ तो चलना बिल्कुल ही मुश्किल था, लगा था ऐसे गिर जाओ नीचे। हाँ भाई मेरा भी, क्योंकि नीचे उबड़ खाबड़ है ना बैठने के लिए, और सीधा नीचे ज़मीन है। मेरा डीडी बेचारे काफ़ी, हमने दिमाग ले दिमाग से हमने एक आइडिया निकाला कि सॉक्स उल्टे करके पहन लेते, क्योंकि वो वाली साइड गंदी होगी। बट ये नहीं सोचा कि जब उसको उल्टा करेंगे वो हमारे पाँव वाली साइड को आ जाएगा, पाँव गंदे हो जाएंगे उल्टे। देखो ऐसे दिखाओ जी, अब ये सीधी साइड देखो, यहाँ से गंदे मोड़ दो जी, मोड़ो मोड़ो मोड़ो। अब वो साइड चलेगी अंदर को, जिसमें लगेगा इसका डायरेक्ट पाँव। मिट्टी इतनी गंदी लग रही है ना डीडी, ओहो अजीब सी ये, ओहो। तो गाइस फाइनली 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 अब जाके घर पहुंचा हूं मैं। बुरे हाल हो गए भाई, बैंड बज चुकी है आज। एक तो इतना सारा काम था ना करने को, क्या ही बताऊं आपको। और गलती मेरी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम डिले करते जा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, कि कोई नहीं अगले दिन ले लेंगे अगले दिन ले लेंगे। उसके वजह से काम आज इतना हो गया था, अब जाके घर पहुंच रहा हूँ, 8 बज गए अभी। तो भाई देखो अभी बहुत कुछ है करने को, चक्कर ये यार कि अभी ना सारी पैकिंग बुकिंग करनी है बाकी, क्योंकि जो मेरा मेन सामान था जो मैंने स्पेशली चंडीगढ़ से मंगवाया था अपने कपड़े, वो अभी ला रहा हूँ मैं अपने साथ। और ये है कुछ इक्विपमेंट्स जो साथ ले जाने वाला हूँ मैं, मिलते हैं आपको बाद में। अभी सारे काम निपटा देते हैं ताकि सुबह के लिए कोई टेंशन ना रहे यार। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको बहुत जल्द। पापा मेरे लिए त्रिशूल और एक कलश लाए ऊपर मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये चोटी पे चढ़ाएंगे देखो हम त्रिशूल, और ये कलश मंदिर में। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास चढ़ाने के लिए, हर साल हमारा यही रहता है, तो इस बार ये है। पिछले साल याद हो तो बताना क्या था कमेंट सेक्शन में। करते हैं पैकिंग, इतनी तो हो गई, ये पैक कर दिया मैं बैग, वो भी कर दिया पैक, थोड़ा बहुत सामान बचा बस डालने के लिए, बाकी 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 हो ही गया ऑलमोस्ट। तो चलो यार करते अभी जल्दी।